सो गाइस, मेरा प्यारा सा घर था रिम्स में, तो रात में बहुत सारी बारिश पड़ने की वजह से सो गाइस पूरा का पूरा मेरा रिम्स डूब गया पानी में। सो गाइस, खुशी की बात है कि टीवी मेरा बच गया। सो गाइस, मैं टीवी ठीक करने के लिए अगले दिन टावर पर चढ़ा। सो गाइस, मैं टीवी ठीक कर रहा था तभी यहाँ पर जग्गा डाकू आ गए। जग्गा डाकू के चार प्राणी आ गए। ए गाइस, इतनी ठंड में मैं ऊपर बैठे मैं टीवी ठीक कर रहा टावर में, उतर ठंडी ठंडी हवा चल रही, ऊपर से ये चार बंदे अलग से मुझे परेशान करने आ गए। सो गाइस, मैं इनके पास चला, मैं देखने का चला ये क्या कर रहे हैं ये। सो गाइस, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मॉकटेल डाली, तो मॉकटेल डालने के मुझे आया कि चलो यार इनको मॉकटेल ला के थोड़ा पीछे करते हैं। सो गाइस, मुझे को पता नहीं था ये यहाँ पर क्या करने ये बंदे आए हैं, तो मैं इधर गया। लिटरली ये यहाँ पर क्या यहाँ पर बकवास जिंदा बच पाएगा या फिर हमेशा की तरह इसका पेटी बन के इधर ही मर जाएगा? जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं लंगड़ता और घसीटता हुआ लॉबी में पहुंच गया, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरी हट गई, तो मैं सोचा थोड़ा घूम घूम के थोड़ा गर्म कर लूँ शरीर। सो गाइस, इतने में मुझे देखे थोड़े थोड़े यहाँ पर नंगे आदमी जो बेचारे बिना कपड़ों से लॉबी में पहुंच गए। सर, मुझे इन पर इतना तरस आया, इतना तरस आया, चलो मैंने सोचा था इनको ढक दूँ। सो गाइस, अगर आपको भी यहाँ पर ऐसे विंटर मोड में ऐसे नंगे नंगे आदमी थोड़े दिखे जिन बेचारों ने बिल्कुल भी कपड़े ना पाए, सो गाइस इनको ढक देना, क्या पता इससे हमारा पबजी मोबाइल इंडिया जल्दी आ जाए, थोड़े से हमारे पाप भी धुल जाए। सो गाइस, हमेशा की तरह मैंने सोचा चलो यार इस बार फिर विंटर मोड में, तो मेरे पता नहीं हर बार मेरे बंदे क्या ही बत्ता फूक के आते हैं, कौन सा रात को सस्ता नशा करके बैठ जाते हैं और गेम खेलने लग जाते हैं। इतने में आप देखो मैंने इस बेचारे नंगे इंसान को ढक दिया, इसको ठंड से बचा लिया। सो गाइस, क्या पता मेरे थोड़े से पाप धुल गए, पबजी मोबाइल इंडिया जल्दी से आ जाए। सो भाई लोग, जितने भी देर में हम जॉर्जपुर में उतरते हैं, तो उतनी देर में आप फटाफट से भाग के अपने दाल भुजिया जो खाने को सामान लेके ना लिया है। सो गाइस, इस गेम में आपको फुल ऑन मस्ती भी देखेगी, फुल ऑन बकचोदी भी देखेगी। सो गाइस, पूरा एपिक फन होएगा, पूरा फुल मज़ा होएगा। सो गाइस, फटाफट से हम बिना टाइम वेस्ट करें जॉर्जपुर पे टपोसी मारते हैं। एंड गाइस, हम इस गेम प्ले में साथ ही साथ बात करेंगे पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, जो कल आया, हमें नोटिस कल आया देखने को मिला, तो NCPR ने जो डाल दिया, फिर से रिफ्यूज़ कर दिया पबजी मोबाइल इंडिया, फिर से नहीं आएगा इंडिया में। तो पबजी मोबाइल बेचारा एक है, दो दो उसकी लेने के लगा, आज को ये आ गया, कल को दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, यार एक पबजी मोबाइल है कितने जाने उसकी लेंगे। सो गाइस, हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के ऊपर क्या क्या इसका हो चल रहा है सीन। सो गाइस, चलो अभी जॉर्जपुर उतरे, इसको जॉर्जपुर को क्लियर करते हैं फटाफट से। सो गाइस, मुझे उतरते ही मुझे मिल गई स्कारल, भाई साहब क्या ही जन्नत की मजे। तो मैंने सबसे पहले देखा नंगा आदमी यहाँ पर उठा, तो मैंने सबसे पहले उसको उठाने का सोचा। सो भाई साहब, उसको उठा तो लिया, थोड़ा सा मेरा बीच में इंगड़ा तो गया, पर भाई साहब संभाल लिया, तो मैंने तो किसको किल करते ही, तो यहाँ पर नेट आया, तो नेट से मैं लिटरली तो बच गया। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ग्रेनेड कहाँ पर गिर रहा है, क्योंकि मैंने हेडफोन नहीं लगाए थे, बस लगाए तो थे इतनी एक ही लगाया था, कारण कुछ नहीं पता था, वो मैं बच गया ग्रेनेड से, मेरी किस्मत थी। तो सामने का बंदा देखा मुझे नंगा, वो भी मुझे नंगा भागता देखा, क्या ही है सभी के सभी कपड़े बिना। एंड गाइस, मैंने फिर एम किया, पता नहीं क्या हुआ है मेरे स्कोप को, टच को, भाई साहब टच ही नहीं बढ़िया से काम करे। सो ओके, मुश्किल से मैंने रंगड़ता लेकरता उसको मार दिया, नॉक तो किया, चलो मैं इसको फिनिश करने का। तो यहाँ पर मेरे टीममेट जो कि था कोड वाइपर, उसको पता नहीं क्या ही लगी हुई थी इसकी चुगली सी, साला भागा भागा जा रहा है। एंड गाइस, नंगे आदमी को फटाफट से ख़त्म करने के बाद हमने जोर में कुछ ज़्यादा टीम नहीं उतरी, एक आधी टीम उतरी थी, उसको ख़त्म करने के बाद चलो चलते हैं आगे हमारे ढूंढने के लिए जनता पार्टी। एंड गाइस, आते आते रास्ते में देखा जो मैंने जॉर्जपुर का ब्रिज, जो अपना रोजर का ब्रिज होता है बीच पे चले सेंटर के अंदर, जो मैंने वो क्रॉस किया, तो यहाँ पर देखा भाई साहब क्या ही क्रिसमस की थी, चलो मैं आ गया यहाँ पर गिफ्ट गुफ्ट ले गया, मैं कहा चलो क्या पता सेंटर मेरे पर रिवैम कर दे, यहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया मिल जाए, पर नहीं, इन्होंने सालों लेवल 2 का हैंडमेल दे दिया। तो यहाँ पर आया तो मैं देखा तो भाई साहब अंत क्या है, सजावट रखी है, गिफ्ट गुफ्ट पड़े हैं, मैं सोचा कॉल में कुछ मिल जाए, थोड़े पास ब्लू मूवीज़ मिल जाए, तो वो भी नहीं मिली। सो गाइस, यहाँ वहाँ पर मेरे बंदे टीममेट्स वो बंदे मारे, तो मैंने फटाफट से बाहर निकला उनके पास पहुँचा। भाई साहब यहाँ पर आके मुझे पता लगा नंबर 3 की तो साली अलग ही लग रहा है कीड़ा, वो उसने सभी के सभी बंदे मार के मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो गाइस, मुझे गुस्सा आया, थोड़ा मक्की कमाई, मैंने मुक्का मारने की कोशिश करी, बेचारा बच के भाग गया, डर गया, माफ़ी मांग रहा था, मैंने भी चलो माफ़ कर दिया। चलो गाइस, मुझे फिर साउंड आया तो जॉर्जपुर पर साउंड आई, तो फटाफट से मैं जॉर्जपुर पर गाड़ी उठाया अकेला, क्योंकि मुझे अकेले को किल चाहिए थे, इसको पहले बुलाने की कोशिश की, अरे भाई साहब नहीं आए, मैंने कहा जाए यार मैं नहीं रहा, तू नहीं आएगा तो मैं क्या करूँ, बस अकेला भाग जाऊँगा। तो नंबर 3 से को मैं लेके नहीं गया, भाई कुत्ते का बैठा हुआ है, कुत्ते का बीज है ये, भागा सारा, सारे किल चुरा लेते। सो गाइस, ये DP से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने फटाफट से गया जहाँ पर, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से वहाँ जाहिर हो चुके अंदर, एक स्क्वाड लड़ रही थी किसी के साथ।
सो गाइस मैंने सोचा चलो पीछे से घूम के इनके मजे लेते हैं फटाफट से। सो गाइस मैंने जॉर्ज की पहाड़ी पे गाड़ी से लगाई, फटाफट से पार्क करी। तो कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ पर फील हुआ था भाई साहब यहाँ पर मैंने गलत सीन कर दिया, लगता मैं गलत आ गया। सो गाइस मैंने फिर से गाड़ी उठाई, मैं फिर से जॉर्ज के पीछे फ्लैंक करा कि मैं सिंगल प्लेयर था। सो गाइस मैं सोचा चलो पीछे चल के फ्लैंक करते हैं उनके, क्योंकि अभी मैं अपनी स्पोर्ट तो लेके आया नहीं कि सही था सामने से फ्लैंक करूँगा। सो गाइस थोड़ा पीछे पीछे देखा, वहाँ पर मुझे जो मेरा वो था थर्ड नंबर टीममेट नंबर थ्री, उसने उससे उनके वहाँ से किसी टीममेट को नॉक किया। तो मैं फटाफट से गया पागलों की तरह, यहाँ पर आके देखा वो तो साले मार के उनकी पेटी लूट रहे हैं। सो गाइस मैंने भी सोचा यार पेटी क्यों लूट रहे हैं, हमको भी थोड़ा दो मज़ा। तो मैंने यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करी एक को। सो गाइस मैं थोड़ा मेरी स्प्रे में मत जाना भाई, तुम्हारा अभी प्रैक्टिस कर रहा है कितने टाइम पर खेल रहे, कर दिया नॉक ना, शांति दो, कमेंट सेक्शन में हल्ला मत बोलना। सो गाइस उसको नॉक करने के बाद मैंने सोचा उसको सभी नाल दिखाना फिनिश कर दूँ, क्योंकि भाई साहब मुझे खेल नहीं मिलती। तभी उसका अंतर्जामी टीममेट जो कि शक्तिमान बन के कूदा खिड़की से, पर इसका क्या ही पुसी बना दी, तो मैंने खुश कर गया साला उसको, वहीं के वहीं मैंने फिनिश कर लिया। तो कहीं यहाँ से तभी के तभी मेरे लेफ्ट साइड से बंदा उतरा एक एम लेके, सामने साला बोट से मारा, इधर असली प्लेयर भाई साहब क्या ही बोट वाले कर दी ना वही बात, क्या ही बंदा साला सबसे पहले सोच रहा है मैं पहले बोट खोद पा लूँ फिर असली बंदे का निपटूंगा। सो कहीं सामने का बंदा था उसको फिनिश करने के बाद, सो मैंने सोचा था थोड़ा उनका ग्रेनेड को डाल दूँ, मेरे पास ग्रेनेड तो है नहीं था, मैंने सोचा था स्टंट डाल दूँ, पर मैं चेक किया स्टंट मेरा पहुँचा नहीं पहुँचा, तो मैं रिक्शा लेके चला गया, मुझे पता नहीं था उसको लगा नहीं मेरा स्टंट, तो मैंने रिक्शा लिया पर लिटरली मैं बच गया। चलो गाइस इसमें फिर आप हो गया यहाँ पर टीपी का असली खेल। अब देखो मेरे पास M416 है और सामने वाले के पास MK14 है, सो गाइस पूरा टक्कर का मामला नहीं है, उसके पास उसका ज़्यादा पलड़ा भारी है। सो गाइस मेरी मॉकटेल में मत जाना, मैंने मॉकटेल कुछ ज़्यादा कहते हैं मैंने कुछ ज़्यादा पत्ता पी लिया, उसकी वजह से मॉकटेल मैंने ज़्यादा आगे फेंक दी ज़्यादा जोश में। सो गाइस उसने मेरा एक टीममेट M24 के साथ नॉक किया MK14 के साथ, तो मैंने सोचा यार अब तो उसे साले को छोड़ूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा हील करने लगा, उसमें साला उधर भाग गया बहनचोद, अरे को क्या ही जल्दी थी उधर भाग गया, उधर दो नंबर टीममेट ने उसको उठा लिया, क्या था भाई साहब साले ने एक गोली से उसको नॉक किया, उस गोली से उसको फिनिश किया। अगर भाई साहब ये ऑटो बोल्ट राइफल एक गोली में फिनिश करती है एक गोली में नॉक करती है, तो हम फुद्दू हैं जो M24 उठाते हैं कार 90 और ओम उठाते हैं। साला छोड़ दो M24 कार 90 और उठा लो ये सब, क्या कर रहे हो पबजी वाले, इसको फिक्स करो इस बकचोदी को। तो जैसे गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम पबजी वाले इंडिया के ऊपर बात करेंगे, जो गाइस कल हमारे नोटिस आया कि NCPR ने जो लगा दिया रिफ्यूज लगा दिया, उससे वजह से सो पबजी मोबाइल अभी होट डिले होगा सर। हाँ जी गाइस अगर हम सोचे कि जनवरी में आ जाएगा पबजी मोबाइल, तो नहीं आएगा, सपना छोड़ दो भाई साहब, अपनी पबजी मोबाइल की या फिर 4G या फिर अभी तो खोर गेम आ रही है जस्टिस कॉज, सो इसके पीछे पड़ जाओ। सो गाइस अभी लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग पबजी मोबाइल का भी सपना छोड़ दीजिए, ये काफ़ी टाइम लेके आएगा। सो तो मुझे नहीं लगता 2021 में भी आएगा, सो 2020 में उसको आना ही बहुत मुश्किल लग रहा है, 2021 में इसको आने देंगे 4G के आने के बाद। इस सारा केस सारी दिक्कत 4G की वजह से हो रही है, क्योंकि 4G इंडिया ने जब अनाउंस कर दी ना, इसमें इंडिया का ही फायदा, अगर 4G पबजी से पहले आ गई तो 4G का फायदा, अगर पबजी 4G से पहले आ गई तो पबजी का फायदा। सो गाइस इसमें आपस में इनकी मुठभेड़ चल रही है, इसके वजह से ये पबजी बीच में नहीं आने दे रहे, पबजी को बैन रखे हैं, आपको समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। सो गाइस मैं अभी को आपको इतना ही समझाऊँगा कि पबजी मोबाइल इंडिया का भी सपना छोड़ दीजिए, सपने भी मत सपना ले गए कि भाई साहब हम पबजी मोबाइल इंडिया खेल रहे हैं, छोड़ो सब कुछ और अपने दूसरी गेम्स वगैरह और भी गेम्स हैं खेलने के वो भी इंजॉय करिए, सिर्फ पबजी के पीछे मत अपनी पूँछ घुमाइए। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस की डुप्लीकेट कॉपी चाइना में डाली। सो गाइस देख रहे हो आप सालों ने क्या ही फास्ट एंड फ्यूरियस की कल मूवी देखा है, आज क्या हरकतें कर रहे हैं इन्होंने, को फास्ट एंड मूवी से कोई ट्रेलर देखा हो ना तो सालों ने ड्रॉप लूटने के आगे पागलों की तरह, तो यहाँ पर सालों ने आके सीधा गाड़ी पीछे मिल गई, ब्रेक नाम की हैंड ब्रेक नाम की चीज़ होती है पबजी मोबाइल में, वो लगा ला करो अगर मिल जाएगा ये भी। एंड गाइस चलो फिर इनको फिनिश करने के बाद हम नीचे चलते हैं, इनको फिनिश कर दिया है मेरे टीममेट ने, साले किल भी नहीं मिला मुझे अपना। एंड गाइस जैसे कि वो सिचुएशन आ चुकी है जब मैं टावर चढ़ के अपना टीवी ठीक कर रहा था, उसका टावर वगैरह सिग्नल सेट करा, तभी ये साले ठाकुर के बंदे जो है ना जगह ठाकुर के थे, तो मुझे तंग करने आ गए। सो गाइस चार बंदे थे लिटरली, सॉरी तीन बंदे थे यहाँ पर, तो लिटरली मैंने देखो पोजीशन पता नहीं था, मुझे पता नहीं था यहाँ पर बंदे आए हैं, तो मैं ऊपर से जब नीचे उतरा था मैंने ऊपर से स्मोक नहीं दिखा, तो जब नीचे उतरा तो यहाँ पर स्मोक दिखा। सो अगर मैं इसके पास आके देखने चला, अरे भाई सब क्या ही साले यहाँ पर क्या पत्ता फूक रहे थे अकेले अकेले बैठ के, तो मैंने यहाँ पर एक परेशान किया तो दूसरा रिलोड में लग गया भाई साहब, मैंने फायदा उठा के उसको भी ले ली, इसकी बीच में से गोली आर पार निकाल दी, वो वापस जा रहा है अपने टीममेट के पास अपना
पछवाड़ा सही करवाने। सो गाइज मैंने इससे कहा, सोचा कि इससे पहले ठीक करें, मैं इसको उठा लूँ ज़िंदगी से, उसकी वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर वो ठीक हो गया। और गाइज देखते देखते बेचारा उसका आखिरी टीममेट भी मेरे सामने आएगा, बेचारा कहता कि मैं इसको मैं बचाऊँगा, तो वो बेचारा बच नहीं पाया, तो मेरे चक्कर से गाइज मैंने भी इसको उठा लिया। सो गाइज जैसे कि हम देख सकते हैं अभी सिर्फ तीन बंदे रह गए, दो हम रह गए, आखिरी बेचारा सोलो रह गया। इतनी जल्दी तो मैंने लगा, तो फटाफट से एंडिंग भी लगा चलते हैं। एंड गाइज आखिरी बंदा भी बेचारा यहाँ पर धूम मचाले करता घूम रहा था बाइक लेके, धूम मचाले कोई मूवी देखी नहीं, धूम 3 या धूम 4 का ट्रेलर देख के बेचारा आया ना, तो उसने सोचा मैं भी करूँ। सो गाइज मेरे दूसरे दो नंबर टीम ने उसको उठा लिया। तो गाइज इसी के साथ हमारी गेम प्ले यहाँ पर ख़त्म हो गया 10 किल के साथ। गाइज आशा करूँ तो आपको पसंद आया। सो गाइज हमारा आज का मेरा सबसे पहले ये गेम प्ले था वॉइस ओवर करके। सो गाइज आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फेवरेट पार्ट मूवमेंट भी अपना बताना। सो गाइज अगर आपको ऐसे गेम प्ले मुझे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। चलो गाइज आपको मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो ऐसी और अमेजिंग वीडियो पे। चलो गाइज अब एंडिंग लगाओ, सही हो तारा नारा।